ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं इस संसार की बाबा के द्वारा चुनी हुई महान और रॉयल आत्माएं हैं। हम देवकुल की महान आत्माएं हैं। जब हम देवता थे तब हम कितने रॉयल थे, अब हम ब्राह्मण हैं, दो बाप के बच्चे, भगवान के बच्चे, हम सचमुच बहुत रॉयल हैं। स्वीकार करो और सवेरे उठते ही अपने को ये संकल्प दे दें, मैं रॉयल बाप का रॉयल बच्चा हूँ, मेरा कुल भी रॉयल है, ब्राह्मण कुल, और मेरा भविष्य या आदि कितना रॉयल है। देखो अपने देव स्वरूप को, जिस चेहरे पे दिव्यता और तेज है, जहाँ के संकल्पों में रॉयल्टी है, महानताएं हैं। हम संगम युग पर बहुत रॉयल हैं। भगवान ने हमारे कुल की रचना की है, उसके द्वारा रचे हुए रुद्र यज्ञ की संभाल करने वाले हम श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। तो हमारे बोलचाल भी बहुत रॉयल होने चाहिए। यदि बोल के द्वारा संबंधों में टकराव होता है तो हमें अपने बोल को परिवर्तित करना है। यदि हम दूसरों को कष्ट देने वाले बोल बोलते हैं, यदि हम दूसरों को गिराना चाहते हैं, तो अच्छी तरह जान लें, हम भी गिरते ही रहेंगे। यदि हम दूसरों पर कुछ गलत प्रयोग करते हैं तो समझ ले हमारा पतन भी निश्चित है। हम रॉयल हैं, विश्व कल्याणकारी, सबको सुख देने वाले, सबको आगे बढ़ाने वाले, न कि बदला लेने वाले। ये जो बदले लेने की भावना है ये बहुत ही खराब है, दूषित है और विनाशकारी है। इसमें मनुष्य के विचार पूरी तरह दूषित हो जाते हैं और वो किसी भी तरह अपने को संभाल नहीं पाता। उसके मन में क्रोध की अग्नि जलने लगती है और वो सदा यही सोचता है कि अब क्या करूं जो इससे बदला लूं। वो हर तरह के कर्म करता है, हर तरह की चाल अपनाता है दूसरों को गिराने के लिए, ताकि वो उन्हें सबक सिखा सके। परंतु हमें किसी को उल्टा सबक नहीं सिखाना है, हमें तो राजयोग का मार्ग दिखाना है। इसलिए हम अपने कर्मों को बहुत श्रेष्ठ करें। हमारे श्रेष्ठ कर्म इस संसार के लिए प्रेरणा है। हमें तो संसार में लाइट फैलानी है। संसार की अनेक आत्माएं प्यासी नजरों से हमारी ओर निहार रही हैं। जरा देख लें, महान कर्तव्य करने वाली आत्माएं, महान आत्माएं कहीं छोटी बातों में उलझ कर तो नहीं रह गई हैं? कहीं वो तेरे मेरे ईर्ष्या द्वेष का शिकार तो नहीं हो गई हैं? हमें बहुत बड़े कार्य करने हैं। ये भगवान की आज्ञा है। हम मनुष्यों को न देखकर ईश्वरीय आज्ञा को फॉलो करें। कितना सुंदर कार्य उसने हमें दिया है कि सभी के अंतर मन के अंधकार को दूर करना। संसार में जो विकारों का और अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, पाप से आत्माएं जो मलिन हो गई हैं, उन्हें प्रकाश देकर उन्हें राह दिखाना, ये महान कर्तव्य ही हमें करना है। तो हम अपने से पूछें, क्या ये महान कार्य करने की इच्छा हमारे अंदर है, या हमारा जीवन स्वयं में ही उलझ कर छिन्न भिन्न होता जा रहा है? क्योंकि ये उलझन एक चक्रव्यूह के समान, जिसने स्वयं को इस चक्रव्यूह में उलझा दिया वो तो छिन्न भिन्न होकर नष्ट होने ही वाले हैं, और पश्चाताप की वो घड़ियां उनके लिए बहुत भारी होंगी। इसलिए समझदार आत्माओं को चाहिए कि वो अब संभलें और अपने महान लक्ष्य की ओर चलें। महान लक्ष्य की ओर चलने से ये छोटी बातें पीछे छूट जाएंगी। आज पक्का करें, मुझे संसार को लाइट देनी है, मैं लाइट हाउस व्हाइट हाउस फरिश्ता हूँ। अभ्यास होगा आज का, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ।
बाबा से जुड़ा हूँ, बाबा की लाइट मुझ में समा कर चारों ओर फैल रही है। सवेरे उठते ये संकल्प कर दे, मुझे संसार को लाइट देनी है। मैं सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाला मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। ओम शांति।